गुमला के बसिया क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के तरफ से जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जमकर भाजपा पर निशाना साधा। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी सुखदेव भगत से रफ्तार मीडिया के संवाददाता शंकर ठाकुर ने खास बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। वहां पे हुआ बसिया एरिया है, वहां पे हुआ। सुखदेव भगत जी हमारे ये प्रत्याशी है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि राहुल गांधी का दौरा कैसा लगा संबोधन? मैं समझता हूँ कि जो दिल की बातें बोली जाती है, राहुल जी ने वो हर चीजों को टच किया, और विशेष करके क्योंकि ये जो आदिवासी अपने रिलीजियस आइडेंटिटी के बारे लगातार संघर्षरत है, सरना धर्म कोड उसके बारे बात की, जल जंगल जमीन की उन्होंने बातें की, युवाओं के रोजगार के बातें की, हमारी मातृशक्ति के बारे बात की। वो मैंने कहा कि वो हर चीजों को उन्होंने टच किया, जो आम जन के बातें हैं वो आम जनों की बातें उन्होंने की है। बात अगर और से इनका कहना था कि जो जल जमीन या जो आदिवासियों की हित की बात हो, वो सीधे तौर से राहुल गांधी ने जो लोहरदगा का जो बसिया क्षेत्र है वहाँ पे बातें कही, और सीधे तौर से कहे कि जो बीजेपी का जो गारंटी कार्ड है वो जो है कहीं ना कहीं इस बार 2024 में असर नहीं होगा, और जाहिर सा बात है कि 14 लोकसभा सीट जो झारखंड का है वो कांग्रेस और महागठबंधन की जीत होगी। अपने सहयोगी सिंटू के साथ संगठा को रफ्तार में